दोस्तों वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी ज्ञान झाड़ने से पहले आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग ही कमेंट करोगे कि भाई प्रूफ दिखाओ। तो यहाँ पर एक वीडियो है मेरी जिस पर 28,064 व्यूज आ चुके हैं और इस वीडियो का ग्राफ तो आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिख ही रहा है। इस वीडियो का ग्राफ यहाँ पर किस तरीके से चल रहा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ग्राफ चल रहा था, लेकिन अचानक से आपको खुद को दिख रहा है, आपको आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये ग्राफ अचानक से ऊपर उठ गया है। कैसे, यहाँ पर देखो, ऐसे ऐसे चल रहा था नीचे, लेकिन अचानक से ये ग्राफ ऐसे उठ गया और अभी जो है वो व्यूज आता ही जा रहा है, ठीक है? आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो 64 हो चुके हैं और इस पर जो व्यूज है वो यहाँ पर आता ही जा रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने इस वीडियो को बूस्ट किया है, इस वीडियो को यहाँ पर मैंने बूस्ट दिलाया है, वो भी किसका यूज करके, YT स्टूडियो के यूज करके। मैंने किसी अदर टूल, किसी अदर एप्लीकेशन, किसी भी अदर वेबसाइट से इस व्यूज को नहीं बढ़ाए हैं, मैंने खुद YT स्टूडियो का यूज करके, कुछ ऐसी ट्रिक, हिडन ट्रिक का यूज करके मैंने इस वीडियो को बूस्ट किया है। और आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी रुकी हुई वीडियो को बूस्ट कर सकते हो, अपनी नई अपलोड की हुई वीडियो को वायरल कर सकते हो। किस तरीके से? YT स्टूडियो का यूज करके, जो कि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताते, ये बंदा आपको बताएगा। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो को बूस्ट किया। और अभी के टाइम में इस वीडियो पर यहाँ पर देख सकते हो 28,000 और यहाँ पर 27,900, इस तरीके से इस पर जो है व्यूज आया है यहाँ तक पहुँचते, और यहाँ पर व्यूज कुछ भी नहीं था, ठीक है? 2600 व्यूज था यहाँ पर और अचानक से ये वीडियो यहाँ पर से बूस्ट हो गई और यहाँ पर जो व्यूज है वो यहाँ पर बढ़ता ही चला जा रहा है आपकी आंखों के सामने। तो कैसे मैंने वीडियो वायरल किया है, आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। 5 ऐसे ट्रिक नहीं है, ये तरीके हैं जो कि यूट्यूब खुद आपको YT स्टूडियो में देते हैं, जो कि आपको बताता कोई भी नहीं है। तो वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी तरीके का यूज़ करके आप नया चैनल ग्रो कर सकते हो और अपना रुकी वीडियो को वायरल कर सकते हो, नई वीडियो को भी आप वायरल कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपने नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो तरीके जिसकी वजह से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो, ठीक है? कैसे ग्रो कर सकते हो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर YT स्टूडियो में आ जाना है और एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है, एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद अपने चैनल के आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको सबसे पहला यहाँ पर जो दिखेगा वो दिखेगा टॉप कंटेंट, ठीक है? आपको यहाँ पर जो है टॉप कंटेंट यहाँ पर अपने ही दिखाई जाएंगे आपके। तो टॉप कंटेंट क्या होते हैं, वो कंटेंट जो आपके टॉप में चल रहे थे इस लास्ट 28 दिन के अंदर, जो कि ऑडियंस देखना पसंद कर रही थी। तो यहाँ पर जो कंटेंट है ये वाला है और ये कंटेंट आप फिर से बनाइए। आपका ये कंटेंट है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखना पसंद कर रही थी, तो इससे रिलेटेड आप एक और वीडियो बनाइए। मैं 100% आपको कहता हूँ कि आपका वो वीडियो वायरल होगा, ठीक है? 100% वायरल होगा। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाने के बाद आपको मैं यहाँ पर सर्च करके एक चैनल दिखाता हूँ, ठीक है? और मैं आपको लाइव प्रूफ ग्रोथ विथ मी, ठीक है, एक चैनल है ग्रो विथ मी, तो इसके मैं चलता हूँ। और इन्होंने जो एक वीडियो अपलोड किया था आज से तीन दिन पहले ये वाला वीडियो था जो कि 9 दिन पहले अपलोड किया गया था, ठीक है? ये जो वीडियो अपलोड किया था इनका 9 दिन पहले और इस पर 128,000 व्यूज आ गए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाउ टू एडिट शॉर्ट्स, ये जो पॉडकास्ट वाला शॉर्ट्स है ये एडिट करना सिखा रहे हैं। और यही वीडियो इन्होंने यहाँ पर जो अपलोड की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज से 3 महीने पहले इन्होंने अपलोड की थी, जिस पर 3,08,000 व्यूज आ गए, ठीक है? और बाकी पर यहाँ पर व्यूज देख सकते हो, 24,000 यहाँ पर व्यूज आ रहे थे और नॉर्मल व्यूज आ रहे थे 13,000-19,000। और ये वीडियो इनकी वायरल हो गई जिस पर इनके 3,00,000 व्यूज आ गए और इन्होंने फिर से कंटेंट बनाया ये वाला। दिमाग लगाया ना, बड़े बड़े यूट्यूबर दिमाग लगाते थे लेकिन आपको नहीं बोलते, इन्होंने दिमाग लगाया और इसी कंटेंट को वापस से यहाँ पर रिपीट कर दिया 9 दिन पहले और इस पर ये वीडियो भी इनकी वायरल हो गई, 1,00,000 व्यूज आ गए। और बाकी वाले वीडियो पर देखो 6,000-10,000-5,000 इस तरीके से व्यूज आ रहे थे, लेकिन इस पर अचानक से यहाँ पर जो व्यूज आ गए और इस पर व्यूज आते ही जा रहे हैं। तो आपको भी यही ट्रिक लगानी है, जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी लास्ट 28 दिन में उस पर आपको फिर से एक वीडियो बनानी है, वो भी आपकी वायरल होगी, तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको एक वाइट टेस्ट में एनालिटिक्स में आने के बाद एक और ऑप्शन दिखता है रिसर्च का आपको एक जो है ऑप्शन दिखता है। आपने टाइटल लगाए हैं, थंबनेल लगाते हो, टैग लगाते हो, डिस्क्रिप्शन लगाते हो, लेकिन इसका यूज़ मैं जो है 100% कहता हूँ आप तक आपने कभी भी नहीं किया होगा। YouTube ने दिया है लेकिन आपने कभी भी इसका यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ कौन यूज़ करता है यार, जिससे हमारी वीडियो वायरल होगी वो कौन करता है? और कोई बड़ा यूट्यूबर बताता भी नहीं है जिसे आप यूज़ कर पाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है YouTube की, जो YT स्टूडियो की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको वेबसाइट बताएंगे जो है जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आपको वेबसाइट बताएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो ट्रिक होती है, ओरिजिनल जो तरीके होते हैं वो कोई नहीं बताता है। तो आपको इस रिसर्च वाले पे आपको दोस्तों क्लिक करें और आपका जो कंटेंट है, आज आप क्या कंटेंट बना रहे हो,
एग्जाम्पल के लिए आप ये बना रहे हो कि थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है, THUMN थंबनेल कैसे बनाए, आप ये यहाँ पर जो कंटेंट बना रहे हो आज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है और जो आपको सामने आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका ये कंटेंट है, एनीवेज A to Z आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, व्यूज़ कैसे बढ़े, वीडियो एडिट कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर देखो मैंने थंबनेल क्या क्रिएट किया, तो मुझे यहाँ पर कुछ जो है टाइटल जो सब जो मुझे यहाँ पर सजेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है, फॉर यूट्यूब, तो ये मुझे कर रहा है सजेस्ट। उसके बाद मैं सेकंड लगाना चाहता हूँ हाउ टू मेक अ थंबनेल फॉर यूट्यूब, ये देखो हाउ टू मेक अ गुड थंबनेल, ये मुझे बहुत सारे यहाँ पर जो है तीन मुझे यहाँ पर टाइटल सजेस्ट किए हैं जो टाइटल अभी चल रहे हैं, ये सर लोग सर्च कर रहे हैं और आपकी वीडियो इस पर आ सकती है। अब उसके बाद मुझे कुछ वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट की गई है, मुझे यहाँ पर वीडियो जो है सजेस्ट की गई है, देखो यहाँ पर देखो जो वीडियो अभी सर्च करने पर नंबर टॉप पे आ रही है या जिस वीडियो को ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा देखा है वो वीडियो मुझे यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है। सबसे पहले क्रिएटर सर्च की जो वीडियो है जिस पर जो है व्यूज़ आए हैं 8 लाख व्यूज़, ठीक है, 4 महीने के अंदर। उसके बाद जो एक वीडियो है डिजिटल राज की जिस पर 4 मिलियन व्यूज़ आए हैं 2 साल के अंदर। मनोज देव की वीडियो है 1.2 मिलियन व्यूज़ आए, मुझे 3 वीडियो सजेस्ट किए हैं जो कि ऑडियंस ने देखा है और इनको पसंद किया है। अब आप अगर वीडियो वायरल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसको देखना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने मिस की हैं जो कि आप अच्छे से बता सकते हो, और इनकी वीडियो जो 23 मिनट के हैं उस पर आपको 24 मिनट की वीडियो अगर आप बना लेते हो, अच्छे से समझा देते हो जो इन्होंने मिस किया है और 24 मिनट की आप वीडियो बना देते हो, तो इनकी वीडियो से ऊपर आपकी वीडियो आ सकती है, सर्च में भी आपकी वीडियो आ सकती है। तो आपको इस प्रकार से इनकी थोड़ी बड़ी वीडियो बनानी है इनसे थोड़ी, ठीक है, और इन्होंने जो मिस किए चीज़ें वो आपको बतानी है, ठीक है, और इनकी 8-9 मिनट की वीडियो है, देख सकते हो इनकी 8 मिनट की वीडियो है और इनकी 8 मिनट की वीडियो है, और जो क्रिएटर सर्च किए वो 23 मिनट की वीडियो है, और यहाँ पर देख सकते हो इनके बहुत ही कम समय में ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और ये वीडियो नंबर 1 पे चल रही है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा मिनट की वीडियो है और इंगेजमेंट भी ज़्यादा है, तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। उसके बाद जो हमारी तीसरी ट्रिक है वो है, मैं आपको बता देता हूँ तीसरी ट्रिक है क्या, मैं आपको एक वीडियो के एनालिटिक्स में चल के आपको बताता हूँ, ठीक है, वीडियो के एनालिटिक्स में आपको मैं चल के दिखाता हूँ कि आखिर तीसरी ट्रिक क्या है। यहाँ पर मैं चलता हूँ एक वीडियो के एनालिटिक्स में और यहाँ पर ये वाली वीडियो आप यहाँ पर जो है चेक कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली वीडियो, ठीक है, ये वाली वीडियो आप चेक कीजिए, इस वाली वीडियो में चलता हूँ और इसके मैं एनालिटिक्स में चलता हूँ, ठीक है, 13,000 इस वीडियो पर व्यूज आ चुके हैं, 13,000 व्यूज़, और इसके मैं एनालिटिक्स में आपको चलता हूँ, ठीक है, इस वीडियो के मैं व्यूज़ वाले में चलता हूँ और यहाँ पर आप चेक कीजिए इसके व्यूज़, यहाँ पर आप दोस्तों चेक करते हो ये जो है एरो जो था वो यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा था और इस पर जो व्यूज़ थे वो 130 व्यूज आकर वीडियो बिल्कुल ठप हो गई थी, 130, हाँ जी 130 व्यूज आकर ये वीडियो जो है मेरी ठप हो चुकी थी, और इस पर जो जो एरो था वो इस तरीके से चल रहा था, यहाँ पर आपको नीचे जो दिख रहा है ना इस तरीके से यहाँ पर जो है मेरी ऐसी आ चुकी थी हालत की ये वीडियो जो है ऐसे ऐसे चल के यहाँ पर वीडियो रुक जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ ट्रिक लगाई जो कि थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइटल चेंज किया, फिर मैंने थंबनेल जो था वो मैंने थोड़ा वीडियो को चेंज कर दिया क्योंकि इस पर जो था CTR था ना वो बहुत ही कम आने लग गया था, ठीक है, CTR था जो बहुत कम आने लग गया था, फिर मैंने यहाँ पर जो ये थंबनेल था ना वो चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, और मेन चीज़ थंबनेल का था, मेन खेल जो था वो थंबनेल का था, मैंने थंबनेल चेंज किया और इसका यहाँ पर CTR देख तो 13% का CTR है, इसी वजह से मेरी वीडियो वायरल हो गई। ऑडियंस रिटेंशन का मैं चलेगा लेकिन CTR होना चाहिए, अगर आपकी वीडियो को किसी के पास सजेस्ट किया जा रहा है उसमें से मेरे 13% लोग 100 में से 13% लोग मेरी वीडियो पर क्लिक करें बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 7 से 8%, 5% से अगर आपका ऊपर ऊपर है ना 5 से 7% तो ऑडियंस रिटेंशन जो है वह आपका CTR जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरा 13% है इसलिए वीडियो यहाँ पर वायरल होगी। तो थंबनेल भी आप चेंज कर दीजिएगा, अगर आपकी वीडियो कोई रुक चुकी है, मैंने बोला पड़ी हुई वीडियो की, आप रुकी हुई वीडियो को भी आप जो बूस्ट कर सकते हो तो आप थंबनेल चेंज कर दीजिए, आपकी जो वीडियो है वो जरूर से यहाँ पर वायरल होगी क्योंकि उस पर आपका जो CTR अच्छा आएगा तो और भी ज़्यादा लोगों के पास आपकी वीडियो को रिकमेंड किया जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी जो चौथी ट्रिक है ना, फोर्थ नंबर, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एनालिटिक्स में जाना है, एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है, ऑडियंस वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक करना है, यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आपको चेक करना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आपको यहाँ पर चैनल योर वॉच, आपका जो ऑडियंस है वो और किस किस चैनल को वॉच करिए, किस किस चैनल की वीडियोस को और वॉच कर रही है ये आपको देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर चलता हूँ इनके जो चैनल है, ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं चल जाता हूँ, ठीक है, एक्टिव राहुल, ये इनके मैं चैनल पर चला जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब इनके वीडियोज़ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको देखना है कि 1 महीने के अंदर अंदर इनकी कौन सी वीडियो है जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए, ठीक है,
बाकी वाली जो वीडियोस हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ एक महीने में किस वीडियो पर आए हैं तो यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। एक ये वीडियो है जिस पर 24,000 व्यूज़ आ चुके हैं, बाकी वाली वीडियोज़ पर 7,000 इस तरीके से आ रहा था, और यहाँ पर 10,000, 8,000, और ये वाला जो कॉन्टेंट है ये आप क्रिएट कर सकते हो इनके जैसा, और थोड़ा सा आपको देख के तो आपका वीडियो भी वायरल हो गया क्योंकि ऑडियंस ऐसे कॉन्टेंट देखना पसंद करेगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला वीडियो भी इनका जो है चला था, 25,000 व्यूज़ इस पर भी आया था, ऐसी वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो। और एक महीने के अंदर आपको ये देखो एक या गूगल से कॉपी करके ये भी इनकी अच्छी वीडियो चली थी, ऐसी वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो तो आपका कंटेंट भी जरूर वायरल होगा। और ये आपको देखने और भी बहुत सारे हैं, आपके क्या सब्सक्रिप्शन में आ रहे हैं, ऑडियंस आपकी और किस चैनल को वॉच करिए ये आपको देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला देखो ऑडियंस कौन सी वीडियो को ज़्यादा वॉच करिए, आपके सब्सक्रिप्शन वाले, ठीक है। आपके आपके जो जो है आपकी जो ऑडियंस है किस चैनल की, आपकी कैटेगरी में किस चैनल की वीडियोज़ ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियो यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं, जैसे कि ये है मनोज दे और टेक, ये इनके हैं रोहित राज मोटिवेशन, ऐसी वीडियो अगर आप भी क्रिएट करते हो तो आपकी वीडियो पर जरूर व्यूज़ आएंगे। और आपको पता ही है कि रोहित राज के जैसी ऐसी वीडियो जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं मेरी ऑडियंस, तो मैं क्या करता हूँ ऐसी वीडियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा मैं पॉडकास्ट लेकर के आता हूँ, तो आपको भी इस तरीके से करना है। आप जो है YT स्टूडियो का इस प्रकार से यूज़ करके अपनी वीडियो को दोस्तों वायरल कर सकते हो, अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ लेकर के आ सकते हो। मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बड़े यूट्यूबर को छोड़ो और न्यू यूट्यूबर को देखो जो कि आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।